हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में बसपा को लाने का प्रयास तेज हो गया है। आप लोग इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन में बसपा को लाने का प्रयास तेज और 5 राज्यों के चुनाव के बाद कुनबा बढ़ाने की उम्मीद। कांग्रेस सूत्रधार की भूमिका में कई राउंड हो चुकी है बातचीत। दोस्तों, खबरों की माने तो बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के कई नेता सहित प्रियंका गांधी बहन जी से कई बार मुलाकात कर चुकी हैं, जो कि इन सभी मीटिंग को गोपनीय रखा गया है। और जो लोग जानकार हैं, वो लोग ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने में कांग्रेस ज्यादा रुचि ले रही है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को महत्व दिया जाए या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। इसका संकेत कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दे चुके हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम सभी लोगों ने मिलकर के घोसी में हुए विधानसभा के उपचुनाव में सभी इंडिया गठबंधन के मित्रों ने सहयोग करके समाजवादी पार्टी को जिताया। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म को दरकिनार करके उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया था, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी 1600 वोटों से चुनाव हार गया था और उस सीट पर समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2200 वोट मिले थे। अजय राय ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म निभाती तो उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया है, उससे यह दिखाई भी देने लगा है वह लोग समाजवादी पार्टी से दूरी बना करके बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। क्योंकि अजय राय ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो भी बयान दिया है, वह उनका बयान नहीं हो सकता है। जब तक उनको हाईकमान का आदेश नहीं मिला होगा, तब तक वह इस तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव बिल्कुल सामने है। इन परिस्थितियों को देख करके यही लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। इसका अंतिम निर्णय बहन जी ही करेंगी और बहन जी ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करूंगी। अब देखना यह है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद बहन जी का निर्णय क्या होता है। सम्मानित साथियों, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।